हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से पोको मोबाइल में रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ अपडेट अगर वगैरह आया हुआ है तो आप चाहते तो कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम अपडेट यहाँ पे अवेलेबल है। MIUI का कुछ अपडेट यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे साउंड नेचर ऐसा कुछ अपडेट देखने को मिलता है। बट मैं अभी अपडेट से रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं बात करने वाला हूँ कि रिंगटोन कैसे चेंज करते हैं। जी हाँ गाइस, रिंगटोन चेंज करने के लिए आपको साउंड एंड वाइब्रेट में जाना है। सबका सेटिंग ऐसा ही होता है, इसी तरीके से यहाँ से आप अपना रिंगटोन, फ़ोन रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा रिंगटोन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपने जो भी म्यूज़िक आपने डाले होंगे वो सारे यहाँ से सर्च करके भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आप गैलरी से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका फ़ोन, जो मतलब आपका रिंगटोन है वो लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं नीचे जो इसके अंदर पहले से ही मिल जाता है, वो आपको ये सब कलर टोन रिंगटोन मिलता है। तो काफ़ी सॉफ्ट है, कुछ इंटरेस्टिंग तो अभी नहीं है, लेकिन और भी देखते हैं Xiaomi के फ़ोन में और भी चीज़ें, अलार्म वगैरह ये टोन ही है सारे। ये काफ़ी फेमस है जो कि Xiaomi के तरफ से आपके देखने को मिलता है, तो आप चाहे तो लगा सकते हैं ये। तो चलिए मैं इसे सेट कर दिया हूँ, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपका ये रिंगटोन लग चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे डुअल सिम की। तो अगर मेरा पास डुअल सिम होता तो मैं यहाँ पे डुअल सिम का भी ऑप्शंस आ जाता, लेकिन मेरे पास है नहीं। और यहाँ से आप चाहते हैं तो कैलकुलेटर, कैलेंडर साउंड भी लेचर लगा सकते हैं, और यहाँ पे वाइब्रेट वगैरह, साइलेंट कीबोर्ड और साउंड वगैरह देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शंस देखने को मिलता है। टच साउंड भी बंद कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर अब लिखा हुआ है टच पैड टोन आपका ऑन है तो इसे ऑफ़ कर लीजिए। और यहाँ पे देखने को मिलता है स्क्रीन लॉक साउंड, इसे भी ऑफ़ कर लीजिए। अगर ऑन करना है तो ऑन रखिए। स्क्रीन शॉट ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं। यहाँ पे अदर साउंड डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। तो गाइस, इसमें ये सब फ़ायदा होता है इसमें, और इन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा सिम टूल किट होता क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है, और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप भी। तो आप इन सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो, जानकारी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।